वेलकम लर्नर्स, हम लोग एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएससी जेई के सिलेबस में दूसरा जो पार्ट है सर्किट लॉ का, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसके इस पार्ट में जो टॉपिक है वो किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स लॉ मतलब केसीएल, केवीएल और सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम, जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जैसे बहुत सारे थ्योरम की मदद से कुछ सर्किट को सॉल्व करना है हमें। तो ये सर्किट लॉ के पार्ट में है हमें। तो सबसे पहला टॉपिक जो है किरचॉफ्स लॉ, तो केसीएल और केवीएल का है। लेकिन केसीएल केवीएल को डील करने से पहले सर्किट के कुछ बेसिक टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है, जैसे ब्रांच, नोड, मेस, लूप, ऐसे टर्म को जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो टर्म है वो ब्रांच का है, मैंने यहाँ लिख रखा है। इसकी डेफिनेशन ये है, अ ब्रांच इज कंस्टिट्यूटेड बाय एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ सेवरल एलिमेंट विदाउट एनी डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब यही है कि ब्रांच किसी भी नेटवर्क में या सर्किट में ब्रांच हम उसको कहेंगे जो फॉर्म होगा एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ एलिमेंट के एंड टू एंड कनेक्शन, मतलब कि एंड जो एलिमेंट का एंड पार्ट होगा उससे एक दूसरे एलिमेंट कनेक्टेड होंगे, बीच से कनेक्शन नहीं हो सकता। जैसे ये सोर्स का एंड पार्ट है तो यहाँ से एंड से ये रेसिस्टेंस में एंड टू एंड कनेक्शन है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है विदाउट एनी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, विदाउट एनी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि ब्रांच हम उसी को कहेंगे जिसमें ब्रांच वो डाइवर्ज नहीं करना चाहिए, मतलब वो बीच से ब्रेक करके अलग फिर दूसरा ब्रांच नहीं बनना चाहिए। जैसे ये ब्रांच है आपका, तो ये कहीं से बीच से निकल के यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ है या कहीं और नहीं जा रहा, ये एक सीधा जा रहा है बिल्कुल, ये कहीं डाइवर्ज नहीं हो रहा या कोई ब्रांच आके इस पर कन्वर्ज नहीं हो रही, तो इसको हम ब्रांच कहेंगे। जैसे ये सर्किट है तो इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्रांच कौन सा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ब्रांच होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पहला ब्रांच होगा, फिर ये भी एक ब्रांच होगा, ये दूसरा, और ये भी एक ब्रांच होगा, ये तीसरा ब्रांच। इन तीनों में कहीं भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, मतलब कहीं भी डाइवर्ज कोई एलिमेंट नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन ब्रांच हैं इस सर्किट में, जो मैंने एक ड्रॉ कर रखा है एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें तीन ब्रांच हैं, ब्रांच को डिनोट करते हैं आप स्मॉल लेटर बी से, तो बी इक्वल टू 3, ये डिनोट करने के लिए तो स्मॉल लेटर बी ये याद रखेंगे, बी इक्वल टू 3 है। दूसरा जो टर्म है वो है नोड, तो नोड की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं रीड करता हूँ। नोड इज एनी पॉइंट ऑन ए सर्किट, ये सर्किट हमारे पास, नोड इज एनी पॉइंट ऑन ए सर्किट वेयर द टर्मिनल्स ऑफ टू और मोर सर्किट एलिमेंट मीट। तो नोड कोई सा भी पॉइंट होगा सर्किट के ऊपर जहाँ पे दो एलिमेंट आके मिलते हैं या दो से ज़्यादा भी एलिमेंट आके मिले तो उसको नोड बोल सकते हैं हम लोग। तो इस सर्किट में देखते हैं यहाँ पे तीन एलिमेंट आके मिल रहे हैं, एक ये और एक ये, R2, R1 और R3, तो ये एक नोड हो जाएगा, नोड वन, और इसको भी नोड बोल सकते हैं। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और एक रेसिस्टेंस आके मीट कर रहे हैं तो इसको N2 बोल देंगे, ये भी एक तरह का नोड हो गया। यहाँ पे फिर N1 की तरह तीन एलिमेंट आके, एक वोल्टेज सोर्स, दूसरा भी वोल्टेज सोर्स और तीसरा R3 आके मीट कर रहा है, तो इसको N3, ये नोड 3। और इसको भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और R2 रेसिस्टेंस, UST वोल्टेज सोर्स और R2 रेसिस्टेंस मीट कर रहा है, तो इसको भी नोड बोल सकते हैं। तो कुल टोटल इसमें चार नोड है। नोड कोऑर्डिनेट करते हैं हम लोग स्मॉल n, नोड को डिनोट करने के लिए हमारे पास स्मॉल n सिंबल है। तो यहाँ पे स्मॉल n इक्वल टू 4, टोटल 4 नोड्स हैं। तीसरा टर्म है लूप। लूप की डेफिनेशन ये है, अ लूप इज
अ क्लोज पाथ कंस्टिट्यूटेड बाय ब्रांचेज। तो ये सर्किट है, तो कोई भी क्लोज पाथ मतलब जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हो वहीं से हम वहीं पे आके हम ख़त्म भी करें। जैसे अगर मान लेते हैं हम इस नोट से हम शुरू करते हैं यहाँ से, तो एक ये लूप बनता है L1, दूसरा फिर इसी तरह यहाँ शुरू करते हैं तो फिर यहाँ से फिर यहीं आ जाएंगे, रास्ते में हमें ब्रांच मिलता है मतलब जो एलिमेंट्स हैं, तो ये L2 हो गया। और ये एक तीसरा लूप ये है, तीसरा लूप कुछ इस तरह होगा, ये L3। तो तीन लूप बन रहे हैं, कोई भी क्लोज पाथ जहाँ से हम स्टार्ट करें फिर वहीं पे आए ख़त्म करें। अब चौथा जो टर्म है हमारे पास वो है मेस। मेस की डेफिनेशन ये है, अ मेस इज अ लूप विच हैज़ नो इंटरसेक्शन विथ अदर ब्रांचेज इन प्लेनर सर्किट। जैसे ये प्लेनर सर्किट है, तो ये जो तीसरा L3 है जो हमने ऐसे ड्रॉ किया है, अगर अगर हम अंदर से लेते हैं इसको तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस ब्रांच से, ये लूप इंटरसेक्ट कर रहा है इस ब्रांच से। अगर प्लेनर सर्किट के अंदर में ड्रॉ करें लूप को तो ये मेस नहीं होगा, बाकी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा किसी ब्रांच से, L2 भी नहीं कर रहा है इंटरसेक्ट किसी ब्रांच से। तो ये दोनों लूप L1 और L2 मेस है, लेकिन ये L3 जो इंटरसेक्ट कर रहा है बीच वाले ब्रांच से, अगर हम लूप इस तरह ड्रॉ करते हैं तो ये मेस नहीं होगा, ये लूप होगा। तो हम हर एक मेस लूप है, लेकिन हर एक लूप मेस नहीं हो सकता। एवरी मेस इज अ लूप बट एवरी लूप इज नॉट अ मेस। तो लूप को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, तो यहाँ पे लूप लूप की संख्या 3 है, और मेस को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से तो मेस 2।